हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना एक सीक्रेट हीना हेयर पैक। और इस हीना पैक को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे अपने बालों में लगाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि आपको इसके अच्छे जितने भी तत्व हैं वो मिल सके आपके बालों को। और तो चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, तो चलिए देखते हैं। और इस हीना पैक के गाइस आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से कलर करता है, साथ ही साथ आपके बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है, बालों को बहुत अच्छी एक चमक भी देता है, नेचुरल तरीके से आपके बालों को कंडीशन करता है। और ये एक बहुत ही अच्छा हीना हेयर पैक है। तो चलिए देखते हैं कि हमें ये हीना पैक कैसे तैयार करना है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोदरेज नुपुर हीना है, ये 100% प्योर हीना है और ये इस तरह की पैकेजिंग में आती है। और नेट वेट इसका है 400 ग्राम और आपको इस तरह की पैकेजिंग में ये मिल जाती है। इस पे सभी चीज़ें मेंशन की हुई हैं इस पाउच पर, कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसमें चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं मेहंदी में, किस तरीके से आपने इस पैक को तैयार करना है। और इसमें मेंशन किया हुआ है कि आप इसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, कर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो सही लगता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑयल या कर्ड दोनों में से एक चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप दोनों डालना चाहते हैं तो दोनों भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के लिए। और मैं इसमें ऑयल ऐड नहीं करूँगी इस हीना पैक में, मैं सिर्फ कर्ड ऐड करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। और मैं काफ़ी टाइम से इस मेहंदी को यूज़ करती आ रही हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये मेहंदी। ये बहुत अच्छा एक कलर देती है आपके बालों को, नेचुरल तरीके से आपके बालों को कंडीशन करती है और बहुत अच्छी चमक भी लाती है बालों में, बहुत अच्छा कलर भी लाती है। तो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ और मैं पिछले 10 सालों से इसे इस्तेमाल करती आ रही हूँ। मुझे जब भी हीना पैक लगाना होता है ना, तो मैं इसी नुपुर मेहंदी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सबसे पहले कि आप देख रहे हैं कि ये लोहे का बर्तन है और ये कुछ आपको शायद साफ़ ना लगे, वैसे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसके लिए हमें चाहिए दही और ये मैंने लिया है चाय पत्ती का पानी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने कैसे तैयार किया था। इसे मैंने 2 ग्लास पानी लिया था और इसमें 2 से 3 चम्मच ये वाले मैंने चाय की पत्ती के डाले थे और इसे अच्छे से बॉयल कर लिया था इस पानी को। और मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा किया है, थोड़ा ल्यूक वॉर्म आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा मैंने इसे नहीं किया है। और मैं इसी पानी में ही अपना हीना पैक तैयार करूँगी। नेक्स्ट मैं इसमें ले रही हूँ नेस्कैफे, ये कॉफ़ी लेनी है इसमें हमें। आप चाहें तो किसी ब्रांड की ले सकते हैं, जो लूज़ में आती है वो कॉफ़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी आप पीते हैं मतलब जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें बर्तन ले रही हूँ और मेहंदी की क्वांटिटी मैं आपको बता दूँ गाइस कि मेहंदी आपने उसी हिसाब से लेनी है। आप अपने बालों के अकॉर्डिंगली इस मेहंदी को ले सकते हैं। मैं जैसे कि मेरे थोड़े लंबे बाल हैं और 4 से 5 बड़े चम्मच आप इसमें मेहंदी ऐड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अपना मेहंदी का जो ये पाउच है ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले मेहंदी ऐड करूँगी। इस लोहे के बर्तन में हमें मेहंदी डालनी है और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन कलर में है ये मेहंदी, क्योंकि ये सूखी मेहंदी है। और जब हम इसमें डालेंगे तो ये अपना अच्छे से रंग छोड़ देगी, क्योंकि लोहे के बर्तन में अक्सर जो रंग निकलता है ना वो बहुत अच्छा एक कलर देता है आपके बालों में। और मेरी मम्मी भी इसी तरीके से लगाते हैं हीना पैक। और ये देखिए मैंने 4 से 5 चम्मच डाल दिए हैं, अगर कम रहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लूँगी। और नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ कॉफ़ी, कि मैं पूरा पाउच इसमें डाल रही हूँ, इसे मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी दही, लगभग 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें। ये देखिए मैंने 2 चम्मच दही डाल दी है इसमें। और अगर आपको कम लगती है तो थोड़ा सा और आप दही डाल सकते हैं, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, वैसे 2 चम्मच इनफ होगा इसमें। हमें एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसमें गांठ बन जाती है, लम्स आ जाते हैं, तो अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी डालना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और मैं इस हीना पैक को तैयार करने के बाद, इस तरह घोलने के बाद, मैं इसे पूरी रात रखने वाली हूँ और नेक्स्ट डे मैं लगाऊँगी। अभी रात का वक्त हो चुका है तो मैं इससे ऐसे ही रख दूंगी, लोहे के बर्तन में ही रखना है हमें इसे, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं करना है, उससे मेहंदी का जो कलर है आ नहीं पाएगा अच्छे से। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने
मिक्स कर लिया है अच्छे से इसे। और अगर आपको पानी और डालना है, अगर ड्राई लगती है तो और डालना है, क्योंकि हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए कि आपको लगाने में प्रॉब्लम हो। मतलब इस तरह की होनी चाहिए आप जिससे बालों में आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकें। और रात भर रखने के बाद ना गाइज इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में या कढ़ाई में अगर आप मेहंदी घोलते हैं तो उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा हिना का पैक जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने ये मेहंदी को, और सुबह तक ये और अच्छे से सेट हो जाएगी, जो आपको हल्के फुल्के इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं तो ये सुबह तक अच्छे से सेट हो जाएगी। और मैं इसे थोड़ी देर बाद फिर से थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये बस तैयार है, और मैं रात भर इसी बर्तन में इसी हिना के पैक को रहने दूंगी, और सुबह तक ये अच्छे से अपने कलर में आ जाएगी। फिर मैं आपको इसके सुबह दिखाती हूँ कि ये किस तरह के कलर में आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने जो रात में मेहंदी घोली थी उसका कलर बहुत अच्छा आया है, ये देखिए। और जब मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, अपने बालों में दिखाऊँगी कि कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो चुका है तैयार, और अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है, कोई भी गांठ नहीं है, कोई बबल्स नहीं नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन चुका है। तो अब मैं इसे अपने बालों में अप्लाई कर लूँगी, और अपने बालों में अप्लाई करने से पहले अपने बालों को एक बार अच्छे से वॉश कर लीजिए और बालों में अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। और इस हिना पैक को अगर आप महीने में एक बार लगाना चाहते हैं तो महीने में एक बार भी लगा सकते हैं, और अगर आप इसे हफ्ते में एक बार लगाना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार भी लगा सकते हैं। ये आपके टाइम के अकॉर्डिंगली भी आप अपने लगा सकते हैं इस हिना पैक को। और इस हिना पैक की खास बात ये भी है कि इसे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने हिना का पैक लगा लिया है अपने बालों में, और कलर आप देखिए मेहंदी का काफ़ी अच्छा आ चुका है। वैसे मैं कर लूँगी इसे अच्छे से रिमूव, नींबू लगाकर मैं इसे अपने हाथों को क्लीन कर लूँगी। तो ये मैंने लगा लिया है, और अब मैं इसे 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह से सूखने दूँगी, उसके बाद मैं अपने बालों को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि आज आपने शैम्पू नहीं करना है, नेक्स्ट डे आपने शैम्पू करना है, और आज मैं शैम्पू नहीं करूँगी अपने बालों को, सिर्फ खाली पानी से धोऊँगी। तो ये देखिए मेरा जो हिना पैक है वो सूख चुका है, जो मैंने हिना हेयर पैक लगाया था वो सूख चुका है, और अब 2 से 3 घंटे भी हो चुके हैं और ये अच्छे से सूख चुकी है। तो मैं अभी अपने बालों को वॉश करने के लिए जा रही हूँ, और अभी मैं शैम्पू नहीं लगाऊंगी अपने बालों में, सिर्फ ठंडे पानी से खाली पानी से धोऊंगी मैं अभी। और इसके बाद बालों को अच्छे से सुखाने के बाद मैं अपने बालों में अच्छे से ऑयल मसाज करूँगी, और रात भर अपने बालों में ऑयल को लगा रहने दूँगी, और कल मैं फिर शैम्पू करूँगी सुबह में। तो अभी मैंने बालों में कॉम कर ली है, अच्छे से वॉश भी कर लिया है अपने बालों को, और मेहंदी सारी निकल चुकी है ये देखिए। तो मैंने अभी शैम्पू नहीं किया है, बाल सूख चुके हैं, और अब मैं अपना तेल लगा रही हूँ बालों में, और अच्छे से अपने बालों में इसे मसाज करूँगी, और देन कल मैं फिर शैम्पू करूँगी। और मैंने देखिए ऑयल लगा लिया है, और मैं रात भर ऐसे ही ऑयल को अपने बालों में लगा रहने दूंगी, कल मैं शैम्पू करूंगी, और उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि बालों में कितना अच्छा कलर आया है मेहंदी का। और मैंने आज तक कभी भी अपने बालों में कलर नहीं करवाया है, मैं हमेशा इसी हिना पैक का ही इस्तेमाल करती हूँ बालों में कलर के लिए। और मैं आपको यहाँ पर धूप में ये कलर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि धूप में आपको नेचुरल कलर नज़र आएगा मेरे बालों का, और कितने अच्छे से हिना का कलर आया है बालों में, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर धूप में दिखा रही हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।